हेलो दोस्तों, तो स्वागत है आप सभी का मेरे इस व्लॉग में। और उम्मीद करता हूँ आप सब अच्छे होंगे, और नहीं है तो फटाफट से अच्छे हो जाइए। तो अभी हम लोग जा रहे हैं पैकिंग करने आज। तो करना परेशान हो गए हम लोग 2.5 साल से, ये भी परेशान हो गए, हम भी परेशान हो गए, करो फिर। हम लोगों का सारा पैकिंग का दिन है, क्योंकि आज हम लोग जा रहे हैं पूछिए कहाँ। तो जैसा कि आप लोगों को पता ही होगा कि ईद आ गई है, तो हम लोग जा रहे हैं बनारस अपने घर, तो एज़ यूज़ुअल। तो अब क्या है कि हम यहीं बसने वाले हैं, तो खाली बैग यहाँ से लेके जा रहे हैं, और वहाँ से भर के वापस से बैग लेके आएंगे। तो कुछ कपड़ा जो मेरा वहाँ है उसको भी लेके आना है यहाँ पे। तो अभी हम सो के उठ भी गए हैं, और हम लोग का पैकिंग सब हो गया है, कुर्ते के बजाय में नाड़ा भी डल गया है, ताकि ईद वाले दिन देर ना हो किसी को नमाज पढ़ने में, क्योंकि हर नमाज में कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनको लेट हो जाता है, उधर जमात खड़ी होती है, उधर वो लोग नाड़ा बांध रहे होते हैं अपने घर पे। तो इसमें हम नहीं आते हैं, ये लोग कह रहे हैं कि हम भी आते हैं इसमें, लेकिन हम नहीं आते हैं इसमें, क्योंकि मेरा नाम मम्मी डाल सकती हैं। तो ये रखा रहा है इसमें कपड़ा फरहत अप्पी का और प्रिंस भाई का, हमारे जीजा जी का, और इसमें रखा रहा है मेरा कपड़ा। तो इसमें कुछ कपड़ा मेरा पहले से भी है, तो उसको निकाल देंगे, वहाँ जाएंगे, कुछ कपड़ा और है वहाँ उसको ही पहनेंगे। और ये टोपी हमने ली थी चौक से, आप लोग को दिखाना था जो हम दिखा नहीं पाए थे, ये टोपी मैंने ली थी चौक से, इसको पहन के व्लॉग में भी डाल चुके हैं, पर आप लोग क्या पता कि यही लिए थे। तो यही टोपी थी जो हमने चौक से लिया था यहाँ पे, तो काफी बढ़िया टोपी लग रही है, नेपाल टाइप की, नेपाली लोग जैसे पहनते हैं, नेपाली लोग जैसे पहनते हैं उस टाइप की लग रही है, पहाड़ी टोपी जिसको कहते हैं, तो अच्छी लग रही है हमें, तो ले ली हम। एक टोपी और लिया गया है ब्लू कलर की, वो मेरी नहीं है, और एक टोपी ये है ब्लू कलर की, ये है जीजा जी की टोपी। तुम्हारा मोजा देखो, तो और कुर्ता भी हम लोग का इसी कलर का है, तो वो मैचिंग मैचिंग ले लिए, लेकिन हमें अच्छा ही लग रहा था पूरा मैच करना, तो इसलिए हम थोड़ा सा डिफरेंट ले लिए। कुर्ता तो सेम लिए ही है, सोचे टोपी अलग लेके एहसान कर दें। ये टोपी हमको अट नहीं रही है, ये छोटी टोपी है, और क्योंकि मेरा दिमाग बहुत ही ज्यादा बड़ा है, तो उसको एडजस्ट करने के लिए बड़ी टोपी चाहिए। तो अभी जा रहे हैं जल्दी जल्दी से, हम पूरा सामान रखने बैग में जो भी इम्पोर्टेंट है, जैसे मेरा कुर्ता भी यहीं पे है, तो उसको भी जा रहे हैं रखने, वहाँ पहनना ईद के दिन। ईद परसों है सऊदी में, आज नहीं सऊदी में, अब ईद कल है, तो चांद नहीं दिखा था सऊदी में कल, इसलिए आज वहाँ ईद नहीं है। तो आज ये रमज़ान 30 रमज़ान का हो गया है, रमज़ान पूरा एक महीना, और ईद उसके बाद 11 तारीख को पड़ रही ईद। तो फाइनली हम लोग रेडी हो गए और निकल रहे हैं यहाँ से स्टेशन के लिए, ट्रेन पकड़ने के लिए। चल 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 चल, ए गाड़ी स्टार्ट कर, चल चप्पल छोड़ के, हम फर्स्ट ए स्टार्ट, हम फर्स्ट, ए गाड़ी चला चला। ये तो और अंदर रूम वाली भैया, गड्ढा बचा के चलो, गड्ढा नहीं है यहाँ, नहीं है आगे, स्टेशन आ गए हम लोग, और ट्रेन हम लोगों की 5:20 पे, अभी 5 बज चुका है, तो ट्रेन आ चुकी है प्लेटफॉर्म पे, जैसा कि इंडियन रेलवे ऐप ने बताया है। Thank you.
तो अभी मंडवाडी स्टेशन हम लोग पहुँच चुके हैं बनारस में, और यहाँ से हम निकल रहे हैं पैदल पैदल घर। प्रिंस भाई और अब्बी चले गए इन लोग गांव पे, वहाँ से सीधे ऑटो पकड़ के वहाँ से लोग निकल जाएंगे गांव, और वहाँ से फिर अब इन लोग ईद वहीं मनाने वाले हैं गांव पे, और हम यहाँ पे मनाएंगे ईद मंडवाडी अपने घर पे, क्योंकि सब लोग यहीं पर रहता है, चचा लोग पापा लोग सब लोग यहीं पर रहेगा, यहीं पर घर पर ही आएगा। तो इस स्टेशन का नाम पहले मंडवाडी था, तो अभी इस स्टेशन का नाम बनारस कर दिया गया है, तो चेंज कर दिए। बाकी प्लेस का नाम तो वही है मंडवाडी, लेकिन बस स्टेशन का नाम बनारस कर दिया गया है। तो काफ़ी लोगों का कन्फ्यूज़न होता है, क्योंकि वो जो मेन स्टेशन है वो वाराणसी कैंट है, जिसको लोग बनारस नाम से जानते थे, बनारस कैंट। तो अब लोग कन्फ्यूज़ होते हैं कि बनारस वो की है। फाइनली दोस्तों हम आ चुके हैं अपने घर, और कुछ अभी थकान सी हमको लग रही है अंदर से, तो अब सोच रहे हैं कि थोड़ा देर सो जाएं, फिर सहरी में भी उठना है, और फिर सुबह निकलेंगे टहलने घूमने मार्केट में। कुछ सामान वान भी लेना है, मम्मी बता रही हैं, तो वो भी ले आएंगे कल जाके। तो दोस्तों आज के ब्लॉग मेरा इतना ही, मिलते हैं फिर आप लोगों से एक और ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर।